हमारे पास अभी एक कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। हम पूछेंगे तथीर से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉन्फ्रेंस में। अस्सलामुअलैकुम। और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है। जितने भी यहाँ पे मेंटोर्स आए हुए हैं, जितने भी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन जिनको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, शील्ड्स मिली हैं, दे आर रियली वेरी इंस्पायरिंग। हर एक के कुछ ना कुछ जुमले ऐसे हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लिटरली आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं कि हाँ, आपने लाइफ में जहाँ आप खड़े हो, आप आगे बहुत जा सकते हो, क्योंकि वो एक तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे लिए। तो ये वीकॉन की जो कॉन्फ्रेंस पूरी हो रही है इस साल, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, व्हाट वाज योर फेवरेट सेशन आउट ऑफ द एंटायर कॉन्फ्रेंस? मुझे ये जो मैम कबाड़ियाँ हैं, मुझे उनके अल्फाज बहुत अच्छे लगे कि आपको मिटना पड़ता है कि कहीं पहुंचने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने अपना इंसिडेंट बताया और सब कुछ किया, तो वो बहुत इंस्पायरिंग था। फिर रुमेला हमीद जो हैं, उनका बहुत इंस्पायरिंग है कि हाँ, आपके साथ क्या गुजरा है, आप अपने लव्ड वंस को जब खो देते हो तब भी कहाँ पहुँचते हो, वो चीज़ बहुत खूबसूरत थी। मुझे बताया गया थी, आपको इस कॉन्फ्रेंस में आके कैसा लगा? लाइक, डू यू थिंक इस तरह के और ज़्यादा इनिशिएटिव्स होने चाहिए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? बिल्कुल होने चाहिए। इसमें नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपको मेंटोर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको प्रॉपर पता चलता है कि हाँ, आप किस जगह खड़े हो अभी मार्केट में, और आपको सही तरह से गाइडेंस मिल जाती है प्रॉपरली। तो अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहें, वीकॉन जैसे करवा रहे हैं और बाकी सारे लोग भी इस तरीके से करते रहें, तो मुझे लगता है कि वुमेन के लिए खासतौर पर बहुत सारी राहें खुलती हैं, आप लोगों को सही मानों में एक मार्केट का पता चलता है।